सुल्तानपुर पहुंचे भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जनसभा को किया संबोधित। सुल्तानपुर पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सुल्तानपुर जिले के खुर्शीद क्लब मैदान में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सपा पर करारा हमला बोलते हुए कहा कि सपा राज में आतंकवादियों को छोड़ा जा रहा था। उन्होंने कहा 23 नवंबर 2007 को उत्तर प्रदेश की 3 कचहरियों में बम धमाके हुए थे, उसमें 15 लोग मारे गए, 50 लोग घायल हुए थे। इंडियन मुजाहिदीन ने इसकी जिम्मेदारी ली। बीजेपी चीफ ने कहा इन मामलों में जांच एजेंसियों ने एक आजमगढ़ के और एक जौनपुर के आरोपी को पकड़ा था, उन पर केस चले, लेकिन अखिलेश जी ने अक्टूबर 2012 में बतौर मुख्यमंत्री खालिद मुजाहिद व तारिक कासमी में से केस वापस ले लिए। बाद में हाईकोर्ट ने कहा कि क्या आतंकवादियों को बचाना सरकार का काम है। ये है सपा का असली चेहरा। सुल्तानपुर जिले की 5 विधानसभाओं का चुनाव 5वें चरण में 27 फरवरी को होगा। इस चुनाव में सुल्तानपुर विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी विनोद सिंह व अन्य भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करने पहुंचे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पहले चुनावी सभा को संबोधित किया। आप बताइए, हम कहते हैं हमारी विचारों की पार्टी। जब मैं विचारों की पार्टी कहता हूं तो याद कीजिए, सारे राजनीतिक दल देश की एकता की बात करते हैं लेकिन धारा 370 के खिलाफ वोट डालते हैं सारे। और ये भारतीय जनता पार्टी है जो कहती है एक देश में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान नहीं चलेंगे। और मोदी जी की इच्छा शक्ति और गृह मंत्री अमित शाह की रणनीति ने धारा 370 को धाराशाही कर दिया, यह भी आपको याद रखना चाहिए। यह आपको मैं इसलिए सुना रहा हूं